गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव उपक्रम, और लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। मनुष्य में पोषण का मतलब है पाचक तंत्र, पढ़ा हमने उसके विभिन्न भागों के कार्य क्या है। पाचक तंत्र में पढ़ा हमने मुख के कार्य और अमाशय के कार्य, अग्नाशय कार्य वगैरह वगैरह, ये हमने सारे पढ़ लिए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था भाई कि मनुष्य में, जब हमने पढ़ा था कि मुख के कार्य, मुख गुहिका पढ़ी थी, तो मुख गुहिका में दांत जो होते हैं, दांत के कार्य मैंने बताए थे कि चार प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलार्स और मोलार्स। तो चार तरह के दांत होते हैं और चार प्रकार के दांतों के अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दांत खराब हो जाते हैं, आप लोगों को पता भी है कि ब्लैक ब्लैक रंग के दांत हो जाएंगे, मतलब दांतों में गड्ढा हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? दांतों के टूटने को बोलते हैं दंतक्षय, दांतों का टूटना। ये कैसे होगा? जो हम भोजन खाते हैं, रोटी खाते हैं, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, या मीठी कोई चीज, मीठी जो चीजें होती हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, हकीकत में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हीं को शुगर बोला जाता है। तो कोई भी शुगरी पदार्थ, मतलब चीनी से बनी हुई चीजें, या मीठी कोई भी चीज, या सिंपल रोटी भी जो हम खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट उसके छोटे छोटे पीसेस हमारे मुंह में रह जाते हैं। तो मुंह में जो बैक्टीरिया होंगे वो उस शुगर को, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसको तोड़कर अम्ल में बदल देते हैं, और वो अम्ल हमारे मुंह की जो पीएच होती है उसको कम कर देगा। कितना कम कर देगा? जब पीएच 5.6 से कम चली जाएगी तो दांत टूटना शुरू कर देंगे। वैसे तो जो दांत होता है हमारा, दांत के, जैसे मैं ये बताऊं कि ये जो मान लो दांत है, ये तो दांत के ऊपर हमारे शरीर का सबसे हार्ड मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। उसके नीचे एक दूसरी परत होती है जिसको बोलते हैं डेंटाइन। जैसे ये इनेमल है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी का, और ये होता है डेंटाइन। मतलब डेंटाइन क्या? ये हड्डी जैसा होता है। इनेमल जो होता है वो हड्डी से भी सख्त है, और जो डेंटाइन होता है ये हड्डी जैसा होता है। ये उसके बाद इस डेंटाइन, मान लो ये यहां तक क्या है, ये डेंटाइन है, उसके अंदर क्या शुरू हो जाएगी? उसके अंदर एक कैविटी है, गड्ढा है, जिसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं और जो ये रक्त वाहिनियां हैं ये अंदर जाती हैं। किस लिए? ताकि इस दांत को ऑक्सीजन दे सके, खाना दे सके, ठीक है, और यहाँ की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा सके। तो तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ जो भी सूचना होगी वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगी, या मस्तिष्क से लेके आएगी, और जो इसमें रक्त वाहिनियां होती हैं वो इसको अंदर से न्यूट्रिशन देती हैं। अब मान लो हमारे मुंह में बन गया है अम्ल, तो अम्ल क्या करेगा? इसके ऊपर धीरे धीरे लगता रहेगा और इसको तोड़ता रहेगा, क्योंकि हमें पता है अम्ल क्या होता है, संक्षारक होता है। तो वो धीरे धीरे इसको तोड़ता रहेगा, तो इसमें गड्ढा हो जाएगा, धीरे धीरे से ऐसे गड्ढा बन जाएगा, फिर आगे अम्ल लगता रहेगा तो ये टूट जाएगा, और आगे टूटेगा, तो धीरे धीरे गड्ढा कहाँ पहुंच जाएगा? अंदर की जो कैविटी होती है, जो गड्ढा होता है, पल्प कैविटी, इसको पल्प कैविटी कहेंगे। तो पल्प कैविटी में गड्ढा पहुंच जाएगा। अब कोई भी जो चीज हम खाएंगे, या मुंह के जो बैक्टीरिया होंगे वो इसके थ्रू अंदर पहुंच जाएंगे, और अम्ल या बैक्टीरिया जब अंदर चले जाएंगे, जब जीवाणु अंदर पहुंच जाएंगे, तो अंदर वो बीमारी फैलाएंगे, तो अंदर हो जाएगी इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आ जाएगी और हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके अलावा जब कोई भी हम ठंडी चीज खाएंगे या गर्म चीज खाएंगे, तो वो इससे होती हुई सीधी तंत्रिका कोशिका के ऊपर जाके टकराएगी, तो हमें बहुत तेज दर्द होगा उस टाइम, ठीक है भाई। तो ये ऐसे होता है दंतक्षय। वैसे तो जो हमारे लार होती है, लार की जो पीएच मैंने बताई थी होती है लगभग 6.8, मतलब लगभग वो उदासीन है। वो कोशिश करती है हमारे मुंह की पीएच को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन क्या होगा, लगातार हम खाना खाएंगे बिना ब्रश किए, हर रोज अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, तो जो रोटी के कण है या भोजन के जो कण है वो दांतों पर चिपकते रहेंगे, उनके साथ बैक्टीरिया या जीवाणु चिपकते रहेंगे, तो एक प्लाक बन जाएगा, मतलब येलो येलो सपाट जो दांतों के ऊपर चिपका रहता है उसको बोलते हैं प्लाक। अब वो प्लाक क्या करेगा? उस स्लाइवा को अंदर वाले
दांत के पास पहुंचने नहीं देगा, मतलब प्लाक बन गया है तो सलाइवा को ऊपर ही रखेगा बाहर, तो सलाइवा अंदर वाली परत को उदासीन नहीं कर पाएगा, जिससे अंदर वाली परत टूटती रहेगी और उसके अंदर क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी और पूरा का पूरा दांत खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं दंतक्षय। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा जो जैव प्रक्रम में, मैंने बताया था कि जैव प्रक्रम जो हमारे शरीर में चलते हैं, जीवन की क्रियाएं, जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ लिया था पोषण, पोषण के बाद अब पढ़ते हैं हम श्वसन। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं श्वसन। श्वसन देखो, पोषण हम पढ़ चुके हैं, पोषण में हमने पढ़ा क्या, हमारे पास क्या था, भोजन, भोजन का क्या किया ग्रहण, फिर अमाशय में जाकर क्या हुआ इसका पाचन, पाचन के बाद क्या होता है अवशोषण, और अवशोषण कहां पे होगा, अवशोषण होता है छोटी आंत में। मान लो ये छोटी आंत है तो छोटी आंत को इस प्रकार बनाया गया है, मतलब छोटी आंत की विशेष संरचना है जिसके कारण यह भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण कर सके, और उसके लिए क्या बताया था कि इसमें उंगलियों जैसे उभार होते हैं, इस तरह से ये उंगलियों जैसे जो उभार है इसके अंदर, ये इनको बोलते हैं पर्वत। ये पर्वत होने के कारण इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, जिससे भोजन अधिक से अधिक अवशोषित हो सके, पहला कारण तो ये। दूसरा मैंने बताया था कि छोटी आंत की लंबाई अत्यधिक होती है, जिससे भोजन जैसे जैसे उसमें से गुजरेगा तो अवशोषण का अत्यधिक टाइम मिलेगा। उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि इस छोटी आंत के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो बहुत अधिक होती है, मतलब उनका जाल इसके अंदर बिछा होता है, ये रक्त वाहिनियां ऐसे इसके अंदर बहुत अधिक है, जो रक्त बहुत अधिक इसके अंदर लेके आएंगी, क्या होगा उससे, इससे जो भी भोजन का अवशोषण होगा सीधा रक्त में चला जाएगा, रक्त लेके उसको कहां जाएगा, रक्त लेके जाएगा उसको शरीर के विभिन्न भागों में, कोशिकाओं के पास। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को ही भोजन की आवश्यकता है, जहां वो टूटकर ऊर्जा देगा और उस ऊर्जा का कार्य करेंगी, ऊर्जा लेकर कोशिकाएं कार्य करेंगी अपने अलग अलग कामों को करने के लिए। बहुत सारे काम शरीर में होते हैं, जैसे देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ या हाथ पैर चल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा खर्च होती है, या नर्व कंडक्शन होता है, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह, जनन तंत्र के लिए बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं, उनमें ऊर्जा खर्च होती है, अंदर चीजों का निर्माण होता है, तो जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें शोषीय क्रियाएं चलती हैं, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और सभी के लिए ऊर्जा मिलती है भोजन से ही। तो ग्लूकोज, मेनली जो ग्लूकोज ऊर्जा के लिए, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए प्रयोग होते हैं, और उसमें से भी मुख्य रूप से क्या होता है ग्लूकोज, तो यहाँ से ग्लूकोज का अवशोषण हो जाएगा और चला जाएगा किसमें, कोशिकाओं में। कोशिका क्या करेगी, कोशिका ग्लूकोज को ले लेगी और ऑक्सीजन को ले लेगी, ग्लूकोज को ले लिया इधर से और ऑक्सीजन को ले लिया, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा और निकलेगा क्या, CO2 और H2O, साथ में क्या निकलेगी, बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी, और यह वह ऊर्जा है जिसका प्रयोग हम अलग अलग कार्य करने के लिए करते हैं। ठीक है, काम तो यही होगा, लेकिन अब यह काम किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। तो ग्लूकोज जो कि अवशोषित होने के बाद पहुंचा किसमें, कोशिका में, तो कोशिका की अगर हम संरचना देखें कि ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है एक, तो कोशिका में एक होता है केंद्रक और इसमें बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, जैसे ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगा भी राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतर्द्रव्यी जालिका जिसको बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं, इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ये है कोशिका द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये केंद्रक होता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब कोशिका ने ले लिया ग्लूकोज, कहां से ले लिया, रक्त से, रक्त उसको लेके आया कहां से, छोटी आंत से, सारे शरीर में पहुंचा दिया है। ठीक है, तो कोशिका ने लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में, सभी को ग्लूकोज की आवश्यकता है, तो ग्लूकोज पहुंचेगा किसमें, कोशिका के अंदर, यहां पहुंच गया, यहां पे क्या है, कोशिका द्रव्य, यहां कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है। अब ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका के द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में आता है, तो ग्लूकोज टूट जाएगा,
ग्लूकोज क्या होता है, देखो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु हैं, लेकिन जब ये टूटेगा तो इससे निकलेगा पाइरूवेट, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड जो होता है उसकी संरचना होती है भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल O H। ये संरचना है किसकी, पाइरूविक एसिड की, पाइरूविक अम्ल की। देखो 1 2 3 तीन कार्बन का यौगिक है, ये कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। इसका मतलब है जब ये बनेगा तो इसमें से दो बन सकते हैं, तो दो यौगिक निकल जाएंगे किसके, पाइरूवेट के, पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल एक ही बात है। तो दो यौगिक निकले किसके, पाइरूवेट के। और ये काम किसमें हुआ, ये काम हुआ भी कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब ये पाइरूवेट का क्या होना है, ये पाइरूवेट टूट के आगे क्या बनाएगा, वो निर्भर करता है किस पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति पे। अब देखो ग्लूकोज आया, मैं वैसे बता C6 H12O6, ये गया किसमें, कोशिका द्रव्य में, ये लिखा हुआ ऊपर ही, ये कोशिका द्रव्य में, तो पाइरूवेट बना। अब आगे इससे क्या होगा, यो निर्भर करता किसमें, मैंने बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति पे। अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अवेलेबल है भरपूर मात्रा में, या बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित, ठीक है, और यहाँ पे है सीमित मात्रा, सीमित मात्रा है ऑक्सीजन की, या तो ऑक्सीजन पूरी होगी जितनी चाहिए, या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, या फिर ऑक्सीजन होगी सीमित मात्रा में, जितनी चाहिए उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। जब ऑक्सीजन पूरी होगी तो पाइरूवेट टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और ऊर्जा निकलती है अत्यधिक, ठीक है भाई। अगर ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उस समय ये टूट जाएगा किसमें, इथेनॉल में, CH3CH2OH इथेनॉल होता है, और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा तो निकलती है, लेकिन ऊर्जा निकलेगी बहुत कम, सीमित मात्रा अगर है, अगर सीमित मात्रा है किसकी, ऑक्सीजन की, तो उस समय ये टूटता है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल, हिंदी में लैक्टिक ही लिखना पड़ेगा, लैक्टिक अम्ल, और साथ में जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है भाई लैक्टिक अम्ल के साथ। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COH C डबल OH, ये होता भाई, या एच भी होगा, ये लैक्टिक अम्ल का संरचना है, ये कह लो, ठीक। तो क्या हुआ, ग्लूकोज अवशोषित हुआ छोटी आंत में, वहां से पहुंचा कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, वहां टूट जाएगा किसमें, पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट का आगे क्या होगा, वो निर्भर करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति पे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है, जैसे लगभग सभी जंतु, ऑक्सीजन सभी जंतुओं को अवेलेबल होती है, मतलब उनको तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो उनमें क्या होगा, पाइरूवेट टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा निकलती है। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ये किसमें होता है, अनुपस्थित किसमें होती है, जैसे यीस्ट, यीस्ट कोशिका है, या बहुत सारे जीवाणु भी ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें पाइरूवेट किसमें टूटेगा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा निकलती है। ये किसमें होगा, सीमित मात्रा, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, या बहुत लंबे टाइम तक दौड़ते रहते हैं, तो उस समय हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, तो वो ग्लूकोज को जल्दी जल्दी से तोड़ते हैं, और उसके लिए हमें अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं। जब हम रेस लगा रहे होते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उस समय हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं कर पाते, मतलब ऑक्सीजन जितनी चाहिए वो ऑक्सीजन मांसपेशियों तक पहुंच नहीं पाती। तो मांसपेशियों की कोशिकाएं क्या करेंगी, मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही तोड़ना शुरू कर देंगी, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलती है भाई, ठीक है। जब ये ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा देखो यहाँ पे पाइरूवेट पूरी तरह
पूरी तरह से टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बच गया, बाकी सारा टूट गया, तो इसलिए ऊर्जा निकली बहुत अधिक। एक ग्लूकोज के टूटने से, एक अणु के टूटने से किसमें, इसमें पूरी तरह से अगर ये टूटता है तो अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। कितनी निकलती है मैं बताता हूं। अब ये ऊर्जा जो निकलती है जीव के अंदर, अब जितनी ऊर्जा की आवश्यकता उसको होती है, कुछ ऊर्जा बच जाएगी, उस ऊर्जा का क्या होता है, उस ऊर्जा को जीव संचित कर लेगा किसके रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में कोशिका के अंदर संचित कर लेगा। ये एटीपी क्या है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये किससे बनता है, देखो एक एडीपी होता है, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एडीपी कोशिका में मौजूद है पहले से, और साथ में एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कोशिका में पड़ा हुआ है। अब एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ने के लिए चाहिए ऊर्जा। वो ऊर्जा कहां से मिलती है, जो हमने ग्लूकोज का, ग्लूकोज को तोड़ा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो ऊर्जा जो निकली है वो ऊर्जा इसको मिल जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा जो ऊर्जा थी जितनी उसने यूज करनी थी वो कर ली है, जो बच गई है वो ऊर्जा इसको दे देगा, तो ये ऊर्जा इसके काम में आएगी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में काम आ जाएगी, तो इनसे क्या बन जाएगा, इनसे बन जाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब क्या, ये ऊर्जा कहां चलेगी, इनके आबंध में चलेगी, इनके आबंध में अब ऊर्जा है, तो ये जो एटीपी है इसको हम एनर्जी करेंसी कह सकते हैं, मतलब जब भी कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वह एटीपी को तोड़ती है, जब खाना नहीं खाएंगे तो उस समय ऊर्जा क्या हो सकता है, तो अब क्या है, एटीपी तो इसमें पड़ी हुई है, तो एटीपी क्या करेगी, ये टूट जाएगी किसमें, एडीपी में, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ में जो इसमें ऊर्जा गई थी वो ऊर्जा निकल जाएगी। एक एटीपी के टूटने से लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलती है, ठीक है भाई। तो हम एटीपी को एक एनर्जी बैटरी के रूप में कह सकते हैं, जिस प्रकार विद्युत या आवेश बैटरी के अंदर संचित होता है, जब लाइट नहीं होगी तो हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जब आएगी वो चार्ज हो जाएगा, जब नहीं होगी तो वो दोबारा से हमें लाइट दे देगा, तो उसी प्रकार एटीपी का काम है, जब ऊर्जा होगी तो एटीपी बन जाएगी और जब ऊर्जा हमें चाहिए होगी तो एटीपी टूट जाएगी। इस प्रकार ये एनर्जी पैकेट के रूप में होती है या बैटरी के रूप में कार्य करती है, ठीक है भाई। अब जो ऊर्जा निकलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन होता है दो तरीके का, देखो ये जो श्वसन है ये होता है दो तरीके का, एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब जो श्वसन है वायवीय, मतलब वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। अब जब ऑक्सीजन मिलेगी, देखो किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है तो वो चीज भरपूर मात्रा में ही जलेगी, बचेगा कुछ नहीं, सब कुछ जल जाएगा और ऊर्जा निकल जाएगी पूरी, तो इसमें वही होता है, तो इसमें पाइरूवेट या ग्लूकोज पूरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा, जितनी ऊर्जा थी सारी निकल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये काम किसमें होता है, ये होता है यीस्ट में, और बहुत सारे अवायवीय जीवाणु होते हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। देखो जब पूर्ण क्रिया टूटता है तो ऊर्जा अधिक निकलती है, कितनी निकलेगी, 36 एटीपी, मैंने बताया एटीपी बनते हैं ना, तो 38 एटीपी निकलते हैं एक ग्लूकोज से जब वायवीय श्वसन होता है, और जब अवायवीय श्वसन होगा उस समय केवल 2 एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी, और जब लैक्टिक अम्ल बनता है, मतलब यहां भी तो ऑक्सीजन नहीं है, यहां भी सिर्फ 2 एटीपी निकलते हैं भाई, ठीक है 2 एटीपी। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और वो लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है,
और धीरे 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 हमें थकान होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे मसल्स में हो जाता है क्रैम्प्स, मतलब पेन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब थकान अधिक हो जाएगी तो हमें फिर रेस्ट करना पड़ेगा। जब हम रेस्ट करने बैठ जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन होगा, अधिक होगा, या फिर अगर हमें थकान को जल्दी मिटाना है तो या तो मालिश करवाते हैं हम, ऐसे ऐसे करवाएंगे, या फिर गर्म पानी से नहा लेंगे। उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के पास पहुंचेगी और लैक्टिक एसिड को बदल देगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। ठीक है भाई, ये काम होता है। उसके बाद बात आती है कि अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की, जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा की बात करें, अब अमीबा तो एक ही कोशिकीय जीव है और यह पानी में पड़ा हुआ है। देखो ये पानी है बाहर, तो इसके पास कोई विशेष अंग नहीं है ऑक्सीजन को लेने के लिए, श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि तो एक ही कोशिका है, तो ये कहीं से भी ऑक्सीजन ले लेगा, कहीं से भी, और केवल प्रसरण विधि द्वारा ही इसकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। प्रसरण विधि क्या होती है? प्रसरण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, किसी वस्तु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही प्रसरण कहलाता है। तो प्रसरण विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव जैसे हम हैं, उनमें क्या आपकी सिर्फ प्रसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकती है? नहीं, हमारे अंदर सिर्फ प्रसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे शरीर की संरचना होती है जटिल, हमारी बहुत सारी करोड़ों कोशिकाएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत अंदर भी हैं, वो कुछ बाहर हैं, जो बाहर वाले मान लो वातावरण के सीधे संपर्क में हैं, हो सकता है वहां तक तो ऑक्सीजन प्रसरण से पहुंच जाए, लेकिन जो अंदर की कोशिकाएं हैं वहां तक प्रसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती। अगर हम प्रसरण विधि से ये सोचे कि ऑक्सीजन पहुंच जाए, तो एक को ये समझ लो कि फेफड़ों से और हमारे पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 साल का टाइम लग जाएगा, इतना समय लग जाता है सिर्फ प्रसरण विधि द्वारा। इसलिए जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती है ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। जैसे हमारे अंदर पूरा का पूरा एक परिसंचरण तंत्र बना दिया है ऑक्सीजन को अलग अलग अंगों तक पहुंचाने के लिए, और फेफड़े बना दिए हैं जहां पर गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान बहुत अधिक होता है। ठीक है भाई, तो ये होता है श्वसन। अब हमें पता चल गया कि श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण कैसे करते हैं? हम श्वसन को कई बार हम सोचते हैं कि सांस लेने को श्वसन बोलते हैं। देखो भाई, सांस लेना श्वसन नहीं होता है, श्वसन होता है ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा निकालना, श्वसन है। सांस लेना दो, श्वसन को आप ऐसे भी कह सकते हो, एक होता है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन मतलब जिसमें कोशिका भाग लेती है, और एक होता है भाई फुफ्फुस श्वसन, फुफ्फुस का मतलब है फेफड़े, जिसमें फेफड़े भाग लेते हैं। तो फुफ्फुस श्वसन क्या होता है? फुफ्फुस श्वसन का मतलब होता है सिर्फ गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन ले ली, फेफड़ों में गई और फेफड़ों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, इसको बोलते हैं फुफ्फुस श्वसन। लेकिन कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि वह ऑक्सीजन रक्त से होती कोशिका में गई, कोशिका ने ली, ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंची, वो होता है कोशिकीय श्वसन। मतलब जब कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, और फुफ्फुस श्वसन मतलब जो बाहर से फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, उसको बोलते हैं फुफ्फुस श्वसन। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें तो सिर्फ प्रसरण विधि द्वारा ही ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी संरचना जटिल होती है उनमें ऑक्सीजन की पूर्ति केवल प्रसरण विधि से नहीं हो सकती, तो उनमें कुछ विशेष अंग होते हैं। किसके लिए? श्वसन के लिए। तो वो वही पढ़ रहे हैं हम। तो हमारे अंदर जो पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो जानते हैं हम नाक से सांस लेते हैं, तो नाक की बात करेंगे, वैसे तो मुंह से भी सांस जा सकता है लेकिन नाक की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नाक से ही सांस लेना चाहिए। नाक से सांस लेने के बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि नाक में होते हैं बाल,
ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेंगे तो सांस वायु के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इन बालों में सारे के सारे अटक जाएंगे, मतलब जो हवा है वो छन के अंदर जाएगी। दूसरा, नाक में नेचुरल चैम्बर होता है, उसके अंदर एयर की कंडीशनिंग होगी, मतलब अगर बाहर की हवा बहुत ठंडी है तो उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान जितना किया जाएगा, और अगर बाहर की हवा गर्म है तो उसका तापमान भी कम किया जाएगा हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, ठीक, वो नेजल चैम्बर में होता है। और इसके अलावा, बालों के अलावा, नाक के अंदर कुछ मटेरियल भी भरा होता है, वो आपको जानते ही है, वो भी किसके लिए है, वो भी डस्ट पार्टिकल को पकड़ने के लिए, ताकि डस्ट पार्टिकल उसमें चिपक जाए और साफ और स्वच्छ वायु अंदर जाए। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, तो श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या है भाई, नासिका आई, नासिका, नासिका में नासिका द्वार है, नासिका द्वार, उसके बाद आती है नासिका गुहा, नासिका गुहा नेजल चैम्बर जिसको मैं बता रहा था, उसके बाद आती है भाई यहां पे जिसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, ठीक है, ये कह लो तुम, इधर से ये नाक है और ये श्वास नली है, जो हमारी फूड पाइप होती है, मतलब जो भोजन नली होती है, भोजन नली पीछे होती है, श्वास नली आगे होती है, ठीक है। तो ये श्वास नली की बात करेंगे हम, ये श्वास नली है, श्वास नली नीचे जाके इसमें दो में बट जाएगी इस प्रकार, ठीक है, ये होगी श्वास नली, और इनको बोलते हैं श्वसनी, 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 आगे आगे जाके इनकी और ब्रांच हो जाएंगी, मतलब ये दो में बट गया ऐसे, फिर ये दो में बट गई इस प्रकार, ये ऐसे बट गई है, क्योंकि हमारे पास दो फेफड़े हैं, दो फुफ्फुस हैं, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान हमेशा फुफ्फुस में होता है, फेफड़ों में होता है, इसलिए पहले वायु को वहां पहुंचाया जाएगा, कहां पे, फेफड़ों के पास। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कम, जबकि जो अंदर की वायु है जो हमारे रक्त में होती है, जब वो वापिस आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है अधिक और ऑक्सीजन होती है कम। तो ये ऐसे, ये इसमें से ब्रांच निकलती रहेगी, निकलती रहेंगी और आगे निकलती रहेंगी, तो एक साइड, एक फेफड़े में ये जाएंगी ऐसे और एक में ये जाएंगी, जो ये निकलती है इनको बोलते हैं श्वसनिका, श्वसनिका, ये श्वसनी है, ये श्वसनिका है, और आखिर में ये किस में खुलेंगी, इनमें आखिर में बन जाएंगे गुब्बारे जैसी कुछ संरचनाएं बन जाएंगी, जिनको बोलते हैं कूपिका, क्या कहेंगे इनको, कूपिका, ठीक है। ये कूपिका ही गैसों के आदान प्रदान वाली जगह है। अब इनके ऊपर, जैसे मैंने अभी बताया था, जो हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण क्यों होता है, क्योंकि छोटी आंत की संरचना इस प्रकार है जहां अवशोषण अधिक से अधिक हो सके। ऐसे ही जो कूपिका होती है, कूपिका को भी इस प्रकार बनाया गया है जिससे गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे हो सके। इस एक, इसके ऊपर भी जो रक्त वाहिनियां होती है उनका बिल्कुल जाल भी बना होता है, जैसे ये कह लो कि ये जो है ये कूपिका है, तो इसके ऊपर ऐसे रक्त वाहिनियों का पूरा जाल बिछा होता है। क्यों बिछा होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ये कूपिका है तो यहाँ से हवा ऐसे आएगी और कूपिका में जाएगी, कूपिका के ऊपर ऐसे जाल है रक्त वाहिनियों का, तो यहाँ से ऑक्सीजन रक्त वाहिनी के अंदर जाएगी रक्त में, और यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका के अंदर आ जाएगी। ये काम करती है क्या, कूपिकाएं, ठीक है भाई। तो कूपिका वो जगह है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा आदान प्रदान, क्यों होता है ये आदान प्रदान, वायु अंदर क्यों गई और अंदर की वायु बाहर कैसे आई, इसमें हेल्प करती है, मतलब वायु के अंतर्ग्रहण में, वायु को अंदर खींचने में मदद करती है हमारी पसलियां, और पसलियों के बीच में है पेशियां, मांसपेशियां हैं जो पसलियों को पीछे खींच जाएंगी, खींच लेंगी या आगे खींच लेंगी, और इन पसलियों के नीचे
और पेट के ऊपर बीचों बीच यहाँ पे एक परत होती है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम और पसलियों की जो मांसपेशियां हैं वो गैसों को अंदर खींचने में और बाहर छोड़ने में मदद करती हैं। कैसे? जब हमारी पसलियां सिकुड़ जाएंगी, मतलब सिकुड़ेंगी, तो हमारी जो ये वक्स है, मतलब छाती है, इसकी जो पसलियां हैं, जब इसके बीच में जो मांसपेशियां ये खींचेंगी, इनके अंदर सिकुड़न होगी, तो वो इन पसलियों को खींच लेंगी किसकी तरफ, बाहर की तरफ और आगे की तरफ ऐसे खींचेंगी। और जो डायफ्राम होती है, मतलब जो परत है नीचे, वो वैसे तो होती है डोम शेप की, मतलब मान लो ये है हमारी वक्स गुहा अंदर से, और ये परत है जो यहाँ नीचे की तरफ है, ये ऐसे होती है नॉर्मली। लेकिन जब वायु को अंदर जाना होता है, ये हो जाएगी सीधी इस प्रकार। तो पसलियां जब आगे की तरफ और साइड में जाएंगी और डायफ्राम सीधी हो जाएगी, तो जो अंदर की वक्स गुहा है, वक्स गुहा का मतलब अंदर की जो जगह है, उसका आयतन बढ़ जाएगा और वायु दबाव हो जाएगा कम, और बाहर वायुमंडल का वायु दबाव है ज्यादा, इसलिए बाहर से वायु अंदर चली जाएगी। इस प्रकार होता है अंतर्ग्रहण। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना होता है, उस टाइम हमारी जो पेशियां हैं, पसलियों की पेशियां, वो रिलैक्स करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी पसलियां हैं वो अंदर की तरफ और पीछे की तरफ जाएंगी, ऐसे मतलब पीछे और अंदर की तरफ जाएगी, और जो डायफ्राम है, ये वाली परत जो है, ये कैसे हो जाएगी, इस प्रकार वक्राकार हो जाएगी, जिससे अंदर का आयतन हो जाएगा कम और वायु दबाव हो जाएगा ज्यादा, जिससे अंदर की वायु बाहर आ जाएगी। इस प्रकार गैसों का आदान प्रदान होता है किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर। ठीक है भाई, तो आज के लिए ही इतना ही। अब ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें और भी है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, फिर लंबी वीडियो देखने का भी मन नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।